जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व कग्रधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य विष्णु पाद इक्ष्वाकु श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्ठ विष्णु पाद सवार श्री श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिष्ठ विष्णु पाद सवार श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सचिदानंद भक्त विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चकवती ठाकुर की जय। उत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपान गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साध श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय सपरक गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की तुलसी महारानी की प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशन कार्य श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नेत्रिला परिष्ठम विष्णु पाद सवार श्री सन भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्ठम विष्णु पाद सवार सन भक्ति शरण त्रिविक्रम भक्ति कुमार संत गोसाई महाराज की जय। नेत्रिला परिष्ठम विष्णु पाद सवार श्री सन भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान आचार्य श्रीरंडी स्वामी श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्ठम विष्णु पाद सवार श्री श्री भक्ति निकेतन तुर्जस्वी महाराज की जय। पूज्य पाद गुरुवर की जय। पूज्य पाद त्रिंडपाद घन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री गुरु चरण कमल भजम श्री गुरु चरण कमल भजम गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल भजमन भजयानुष्ठान गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधना बल भजमन भजय अनुष्ठान गुरु चरण कमल भजमान गुरु चरण कमल भजमान मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जनम भ्रमति चौदह भुवन मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जनम भ्रमति चौदह भुवन किसी को मिलते हैं आओ भाग से किसी को मिलते हैं आओ भाग से हरि भक्तों के दर्शन भजमन भजय अनुचान गुरु चरण कमल भजमान गुरु चरण कमल भजमान कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति किनन करुणा निधान कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति किनन करुणा निधान ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित श्री गुरुपति पावन भजमन भज अनुचान गुरु चरण कमल भजमान गुरु चरण कमल भजमान
श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले लिखत स्पष्ट प्रमाण। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले लिखत स्पष्ट प्रमाण। तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, सदा श्री हरि नाम रट भजमन भजय अनुछ गुरु चरण कमल भजम, गुरु चरण कमल भजम। जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौरभक्तवृंद। हरि हरि कवि मोर हवे न दीना, हरि हरि कवि मोर हवे न दीना। विमल वैष्णवे प्रति उपजीवे, विमल वैष्णवे प्रति उपजीवे, वासना है बेचीना। हरि हरि कबे मोर हबे से नदीना, अंतर बाहिर सम व्यवहार अमानी मान दहब। श्री कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे, श्री कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे, सतत मजिया रब सतत मजिया रब। ये देहर क्रिया अभ्यासे करीब, जीवन जापन कर लागी। ये देहर क्रिया अभ्यासे करीब, जीवन जापन लागी। श्री कृष्ण भजने अनुकूल जहाँ, श्री कृष्ण भजने अनुकूल जहाँ, ताहे हब अनुरागी, ताहे हब अनुरागी। भजने र जहाँ प्रतिकूल तहाँ, ऋण भावित आगीब। भजिते भजिते समय आसिले, भजिते भजिते समय आसिले, यदि छाड़ी आदिब, यदि छाड़ी आदिब। भगति विनोद ए आशा कोरी, बसिया गोद्रुम बने। भगति विनोद आशा करी, बसिया गोद्रुम बने।
प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे, प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे, सदा कांदे संगोपने, सदा कांदे संगोपने। हरि हरि कबे मोर हबे नदीना, दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। लहर लहर श्री श्यामा जू की, लहर लहर श्री श्यामा जू की, मन में मेरे समाई, मन में मेरे समाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। रट रट राधा जन्म बिताऊं, रट रट राधा नाम जन्म बिताऊं, रज गोपिन को शीश नवाऊं, रज गोपिन को शीश नवाऊं, महिमा कहीं नहीं जाई, महिमा कहीं नहीं जाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। रज तज के मैं कहीं नहीं जाऊं, रज तज के मैं कहीं नहीं जाऊं, रसिक संतन के दर्शन पाऊं, रसिक संतन के दर्शन पाऊं, जग से प्रीत हटाई, जग से प्रीत हटाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। लहर लहर श्री श्यामा जू की, लहर लहर श्री श्यामा जू की, मन में मेरे समाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय
प्रसादात भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान नगति कुतो अपि धानस्तवंतस सस्त्री संधम वंदी गुरु श्री चरणारविंदम वंचा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर तवां प्रपद्ये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। महाम्भोधिस्तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसत प्रसदंतः सहज बलभद्रेन बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसर्द जगन्नाथ स्वामी नैनपतगामी भवत मे। वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति पद देवी सत्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। हम लोग जीव का नित्य धर्म क्या है उसके ऊपर चर्चा हमारा चल रहा है। आप लोगों से प्रार्थना कि जितना ज़्यादा ज़्यादा फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा आप लोग अपने पहचान वालों को जो फेसबुक पर नहीं हैं, यूट्यूब पर हैं, उनको बोलिए या उनको शेयर करिए श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा चागदा के नाम से चैनल है, आपको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और सभी लोगों को अपना नित्य धर्म हमारा क्या है वह समझ में आवे। वैसे तो यह एक बार के समझाने से समझ में नहीं आएगा, जब तक दो बार चार बार नहीं इसको पढ़ेंगे, फिर भी दो चार बार जब इसको सुनते रहेंगे तब समझ में आएगा कि नित्य धर्म वास्तविक है क्या। इसी लोगों को शेयर करें, लोगों को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, ऐसे बात नहीं है, सबका फ़ायदा होगा। इसलिए आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। तो कल हम लोगों की चर्चा चल रही थी कि चूड़ामणि जो हैं वह वैष्णोदास बाबा जी से प्रश्न करते हैं, कहारो कहारो शास्त्र श्रद्धा है अच्छा किंतु स्वभाव उच्च है नहीं, तहारो की भक्ति अधिकारी बता रहे हैं। किसी किसी का शास्त्रीय श्रद्धा उदित हुआ है किंतु स्वभाव उनका उच्च नहीं हुआ है, स्वभाव उनका उच्च नहीं हुआ है। तो क्या वह भक्ति के अधिकारी हैं? इसके जवाब में वैष्णोदास बाबा जी महाराज बताते हैं, स्वभाव कर्म अधिकार हेतु,
स्वभाव जो है कर्म अधिकार प्राप्त कराता है, भक्ता अधिकार हेतु न, वह जो है भक्त स्वभाव भक्ति का अधिकार प्राप्ति के लिए नहीं है, वह कर्म का अधिकार प्राप्ति के लिए है। श्रद्धा ही एकमात्र भक्ति अधिकार हेतु, श्रद्धा ही एकमात्र भक्ति अधिकार प्राप्ति कराती है। निम्नलिखित भागवत पद आलोचना करिए, देखून बता रहे हैं कि जो भागवत में आलोचना करके देखिए क्या बोलते हैं वो, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विघ्नः निर्विघ्नः सर्वकर्मेषु विद दुखात्मकान कामान प्रत्यागेह अपीन अपीन ईश्वरः ततो भजित मां प्रीतः श्रद्धा श्रद्धालुः दृढ़ निश्चयः जुषमानश्च तान कामान दुखो दर्क दर्कांश्च ग्रहण ग्रहयन प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मा असत्कृत असकृत मुने कामा हृदय नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षयन्ते दास क्षयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि यत् कर्माभि यत् तत्तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन दान धर्मेन श्रेयोभि इतरैरपि सर्वं मदभक्ति योगेन मदभक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्गं मत्थाम कथंचित यदि वांछति। भागवत के श्लोक हैं, बता रहे हैं कौन सत्कर्म कर्मे हरिकथा सुनते कारा ऋषि है, कौन से सत्कर्म के अनुसार हरिकथा में ऋषि उत्पन्न होता है, अन्य समस्त कर्म तहार आरभार लगाना। किसी कर्म के द्वारा, किसी सत्कर्म के द्वारा जब हरिकथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है तब उसको संसार की समस्त कर्म जो है अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं ना, अरे संसार मोरा नहीं लागे भाला, कहाँ जाए कृष्ण हेरी ए चिंता विशाल। बोलते हैं कि संसार अच्छा नहीं लगता है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ खोजूँ, कृष्ण को मैं कहाँ खोजूँ, कहाँ पाऊँ, यही चिंता मुझे लगा रहा है। यहीं पे यहाँ पे बता रहे हैं, तब उसको जब सुनते सुनते हरि कथा सुनते सुनते उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है हरि कथा में, तब उसको समस्त कर्म जो है संसार का अच्छा नहीं लगता। दृढ़ विश्वास सहित हरिनाम करते थकेन, बोल रहे हैं कि दृढ़ विश्वास के साथ हरिनाम करते रहिए। अन्य अन्य जे विषय मंद स्वभाव आछे से विषय सकल के परित्याग करते पारन्ना, बोले कि अन्य अन्य विषय में और विषयों में जो खराब स्वभाव है उस विषय को परित्याग नहीं कर पाते, किंतु तहा मंद जनिया निंदा करते करते भोग करते थकें। बता रहे उस सारे विषय को परित्याग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, उसको खराब जान करके उसकी निंदा करते रहिए और निंदा करते करते उसका भोग भी करिए। हरि कथा दी आलोचना करते करते स्वल्प दिन ही हृदय काम सकल विनष्ट हैया पड़े। हरि कथा की आलोचना,
हरिकथा आदि की आलोचना करते करते थोड़े ही दिनों में ही हृदय में सारी कामना वासना नाश हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ना, नष्ट प्रायस्व भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, अभद्रेशु नष्ट प्रायस्व भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, उत्तम श्लोके भक्ति बहुत ही नष्ट की। जब हम भागवत कथा का श्रवण करते 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 धीरे 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 हमारे हृदय में जो अभद्रता है वह नाश हो जाता है, और थोड़े ही दिनों में भक्ति के स्वरूप, भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान हृदय में सुख चैत्य गुरु रूप से विराजमान हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि हरि कथा आदि आलोचना करते करते थोड़े ही दिनों में हृदय में, हृदय के अंदर सारी कामनाओं का नाश हो जाता है। अमा के हृदय आने ले आर दोष थकते परे ना, बोलते हैं भगवान कि मुझे हृदय में ला लेने से, हृदय में प्राप्ति कर लेने से और कोई दोष नहीं रह सकता। शीघ्र ही हृदय ग्रंथि भेद है, शीघ्र ही जो हृदय के अंदर गांठ बना हुआ है संसार का वह नाश हो जाएगा, वह खुल जाएगा, गांठ ग्रंथि मतलब गांठ खुल जाएगा। समस्त संशय दूर है, जितने भी संशय संसार में हैं सारे संशयों का नाश हो जाएगा। वह कर्म वासना क्षय है, यानी कर्म बंधन जो है हमारा पड़ा, कर्म बंधन में जो पड़े हैं उसका क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यही एक थी अमा नित्य विधि, यही एक हमारा नित्य विधि है। अतएव कर्मेर द्वारा, तपस्या द्वारा, ज्ञान वैराग्य द्वारा एवं जतो प्रकार सत्कर्म द्वारा जहाँ लभ हेते पारे से समस्त अमार भक्ति योग द्वारा सही सही उपाय अपेक्षा अधिकतर सहजे व शीघ्र अमार भक्त लाभ करें। यहाँ बता रहे कि अतएव अर्थात कर्म के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा और जितने प्रकार के सत्कर्म है उसके द्वारा जो प्राप्ति होता है वह समझते ही हमारे भक्ति योग द्वारा, वह उपाय अपेक्षा, वह सारे उपायों के अपेक्षा अधिक सहज में ही शीघ्र अमार भक्त प्राप्त कर लेता है। यही श्रद्धोदित भक्ति योग क्रम, यही श्रद्धा जिसका उदित हो जाता है भक्ति योग का क्रम है। चूड़ामणि प्रश्न करते हैं, आमी जैसे श्रीमद् भागवत ना मानी, मैं अगर श्रीमद् भागवत को नहीं मानूं, बहुत से लोग हम लोगों को भी मिलते हैं, हम शास्त्र नहीं मानते, हम भागवत को नहीं मानते, बहुत से संप्रदाय के लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शास्त्र को मानते नहीं हैं, अब बोलते भी हैं कि हम शास्त्र को नहीं मानते। जो लोग नहीं मानते हैं उसके उत्तर में यहाँ पर दे रहे हैं वैष्णव दास बाबा जी महाराज, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। सकल शास्त्र ही ये सिद्धांत, सारे शास्त्रों का यही सिद्धांत है, शास्त्र एक ही है। भागवत ना मान ले अन्य शास्त्र अपना के पीड़न करीबे, भागवत अगर जो व्यक्ति नहीं मानता है बाकी जितने भी शास्त्र हैं वह दुख देने वाला है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि भागवत को यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो बाकी जितने भी शास्त्र हैं सारे शास्त्र उसको दुख देने वाला है। अनेक शास्त्र दिखाई बार अमार प्रयोजन नहीं, बहुत से शास्त्रों को दिखाने का हमारा आवश्यकता नहीं है, बहुत से शास्त्रों को दिखाने की हमारी आवश्यकता नहीं है। सर्वसाद सर्वविद सर्वादि
सर्ववादी संपन्न गीता की बोलन, सर्ववादियों सारे वादियों की समस्त जो गीता है वह क्या बता रहे हैं। गीता को सारे वादी लोग मानते हैं, चाहे मायावादी हो, चाहे कर्मीवादी हो, चाहे कोई भी वादी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सारे लोग गीता को मानते हैं। तो गीता में क्या बता रहे हैं, यह विचार बता रहे हैं। तहाई विचार करो, वही विचार कीजिए। क्या आपने आशीर्वाद माता जे श्लोक की अपना मुख हैते बाहिर करिया छिलन ताते ही समस्त सिखा छे। बता रहे हैं कि आप जब यहाँ पर आए आकर के आसन पर बैठे और आने के बाद बैठने के बाद आपने जो श्लोक उच्चारण किया, मुख से आपने उच्चारण किया, उसी में सारी शिक्षा रखी हुई है, उसी श्लोक में सारी शिक्षा रखी हुई है। गीता के श्लोक में क्या, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाक साधुरेव स मत्यभ्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यही श्लोक कृष्ण चूड़ामणि जब बैठे तो यही श्लोक का ही उच्चारण उन्होंने किया था। आगे बताते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति माम ही पार्थ व्यपासित व्यपासित्रय जे अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो शूद्राते अपि जानति पराम गतिम। बता रहे अर्थात इसकी व्याख्या बताते हैं, अन्य भाग बा अमाते एकनिष्ठ श्रद्धा युक्त आया जिन्हें हरिकथा हरिनाम श्रवण कीर्तन आदि में भजने रत हन तहार बहुतर असदाचार अर्थात दुख दुह स्वभाव जनित कर्म आदि पद्धतिर विरुद्ध आचार थाकिलु ताके साधु बलिया मानिबे। बता रहे अर्थात सम्यक भाग यानी मुझ में एक निष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के जो हरि कथा हरिनाम श्रवण कीर्तन आदि मैं भजन में रत रहते हैं तहार बहुतर असदाचार उनकी बहुत से ज़्यादा असदाचार अर्थात दुख दुख स्वभाव यानी संसार कर्म के अंदर कर्मवादियों के अंदर देखने में बहुत से दुः स्वभाव जनित कर्म सिद्धांत का के विरुद्ध आचार होने के बावजूद साधु पथ वह साधु के पथ को अवलंबन किए हुए हैं। आचार थकले उता के साधु बोलवे मानी में आचार होने के बाद भी उसको साधु बोल करके मानना, जेतु तिनी सुंदर अनुष्ठान युक्त अर्थात साधु पथ अवलंबन कर दिया। क्यों, क्योंकि बता रहे हो कि जिस क्योंकि वह सुंदर अनुष्ठान युक्त अर्थात साधु पथ अवलंबन किए हुए हैं, यानी कर्मी लोगों के संसारी लोगों के देखने के अनुसार जो अनन्य भक्त हैं भगवान के शुद्ध वैष्णव हैं भगवान के उनके अंदर अगर कोई दुराचार भी दोषा दिखाई देता है, सुंदर रूप से अगर कोई दुराचार दिखाई देता है तो भी उसको साधु रूप से मानना। और क्योंकि क्यों मानना ये भी बता रहे हैं कि वह सुंदर रूप से मेरे भजन का अनुष्ठान कर रहा है अर्थात साधु पथ का अवलंबन किया हुआ है। यह तात्पर्य यही जी कर्मकांडे वर्ण आश्रम आदिर उद्यम एक प्रकार, ज्ञान कांडे ज्ञान वैराग आदिर उद्यम द्वि प्रकार एवं सत्संगिक हरिकथा व हरिनाम श्रद्धा तृतीय प्रकार पंथा।
इसी तात्पर्य जी में बता रहे हैं कि कर्मकांड की जो वर्णाश्रम आदि जो पद्धति है वह एक प्रकार की है, अलग प्रकार की है, और कर्म ज्ञान कांड में जो वैराग्य ज्ञान वैराग्य आदि जो पद्धति है वह दूसरे प्रकार की है, और सत्संग हरिकथा और हरिनाम में श्रद्धा तीसरे प्रकार की पंथा है, तृतीय पंथा है। इसलिए बताते हैं कि यही पंथा त्रय कखनो कखनो योग एक योग है या कर्मयोग ज्ञान योग व भक्ति योग नामे प्रकाशित है। यह जो पंथा है, तीनों पंथा कभी कभी एक योग में आकर के कभी कर्मयोग कभी ज्ञान योग या भक्ति योग में प्रकाशित हो जाती है, कखनो कखनो पृथक रूपे अनुष्ठित है, कभी कभी वह अलग अलग रूप से अनुष्ठित होती है यानी दिखाई देती है। पृथक अनुष्ठात्रिदिके कर्मयोगी व ज्ञानयोगी बोला जाए, जो अलग रूप से अनुष्ठान आदि करते हैं उनको कर्मयोगी और ज्ञानयोगी बोला जाता है। यही सकलेर मध्य भक्ति योगी श्रेष्ठ, कर्मयोगी ज्ञानयोगी और भक्ति योगी में तीनों में बता रहे हैं सबसे श्रेष्ठ भक्ति योगी ही श्रेष्ठ है, जेहेतु पृथक भक्ति योगी अनंत कल्याण निहित आचय, जिसमें अलग से भक्ति योग करने से अनंत कल्याण, उसका एक कल्याण नहीं है, अनंत प्रकार के कल्याण उसमें समाहित है। अतः गीता प्रथम छाध्याय चरमे यही सिद्धांत वाक्य देखते पाईबेन, अर्थात गीता का जो ये छठा अध्याय के जो श्लोक है इसमें आप चरम सिद्धांत देख पाएंगे। योगी नाम अपि सर्वेषां मदगते गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते जह मां स्वामी युक्त तमो मतः। बता रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यही श्लोक के तात्पर्य भाल करिया बुझा आवश्यक। यह श्लोक जो भगवान ने गीता में बताए हैं इसको अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। श्रद्धा साकार जिन्हें भक्ति अवलंबन करिया छन, श्रद्धा के साथ जो भक्ति पथ का अवलंबन किए हुए हैं, तहार स्वभाव व चरित्र दोष शीघ्र ही दूर है। उनका स्वभाव और जो चरित्र में दोष दिखाई देता है वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। जेखाने भक्ति सेखाने धर्म अनुगत हन, जहाँ पर भक्ति है वहीं पर धर्म अनुगत रहता है। समस्त धर्म मूल भगवान, सारे धर्मों के मूल भगवान हैं। भगवान सहज ही भक्ति रथिन, भगवान सहज में ही भक्ति के अधीन हैं। भगवान हृदय बसले जीवर बंधनकारी माया तत्क्षणात् दूर है। भगवान जब हृदय में बैठ जाते हैं, भगवान जब हृदय में बैठ जाते हैं तब बता रहे हैं कि जीव के हृदय में जो भी माया का बंधन होता है वह उसी समय दूर हो जाता है। अन्य कोनो प्रतिक्रिया अपेक्षा था कहना, और किसी की उसमें क्रिया करने की अपेक्षा नहीं रहती। भक्त हैते ना हैते ही धर्म असिया तहार हृदय के धर्म में करे, भक्त होने के साथ ही साथ धर्म आकर के हृदय में बैठ जाता है और हृदय को धर्म में बना देता है। सुतवांग काम दूर हैवा मात्र शांति आसिया प्रवेश करे, काम दूर होने के साथ ही साथ शांति हृदय में आकर के विराजमान हो जाती है। अतः मायार प्रतिष्ठा यही जे अमार भक्त कहो नष्ट है बहना, अति बता रहे माया की प्रतिज्ञा यही
माया की जो प्रतिज्ञा है यही कि हमारे भक्त की कभी भी नाश नहीं होगा। कर्मी वज्ञानी निज निज अनुष्ठान करते करते कुसंगे पति तैते पारे। कर्मी जो कर्मकांड के लोग हैं, कर्म करने वाले लोग हैं, और जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, इनके विषय में बता रहे हैं, वह अपने अपने कर्म के अनुष्ठान को करते करते कुसंग में पतित हो सकते हैं, किंतु अमार भक्त अमार संग बोले कखने कुसंग करते पारे ना। अमार जो भक्त है, मेरा जो भक्त है, वह हमारे संग के प्रभाव से कभी भी कुसंग नहीं कर सकता। अतः तहार पतन है ना, अतः उसका पतन कभी नहीं होता। भक्त पाप जोनि तेई जन्म ग्रहण करुण व ब्राह्मण गृही जन्म ग्रहण करुण करें परागति तहार कर स्थिता। बता रहे हैं भक्त मेरा चाहे वो पाप जोनि में जन्म ग्रहण करे या ब्राह्मण जोनि में ब्राह्मण घर में जन्म ग्रहण कर रहे, फिर भी परागति उसकी जो है हाँ उसके हाथ में स्थित है। कर स्थिता मतलब उसके हाथों में स्थित है, उसकी परागति परमार्थ की जो गति है भगवत प्राप्ति उसके हाथ में ही है। चूड़ामणि बोलते हैं, प्रश्न करते हैं, देखून आमादे शास्त्री जे जन्म निबंधन अधिकार निरूपण करिया चैन ताई जैन भाल। हमारे शास्त्रों में जो जन्म निबंधन अधिकार निरूपण किया हुआ है वही अच्छा है। ब्राह्मण गृह जन्मिया छी, ब्राह्मण घर में जन्म ग्रहण किया, संध्या बंधन आदि करते करते ज्ञान लाभ व अवश्य से मुक्ति अवश्य ही वे। संध्या बंधन आदि करते करते ज्ञान लाभ होगा और लास्ट में मुक्ति अवश्य ही होगा। श्रद्धा की रूपे जन्म है तहा बुझते पारे ना, श्रद्धा किस प्रकार से जन्म ग्रहण करेगा यह समझ में नहीं आता। गीता भागवतेर मते श्रद्धा जनित भक्तिर उपदेश देखते छी। गीता और भागवत में के अनुसार श्रद्धा जनित भक्ति के उपदेश ही दिखाई देता है, किंतु की रूपे जीव से श्रद्धा पाइबार जन्न चेष्टा करबेन ता स्पष्ट करिया बोलन। किंतु किस प्रकार से जीव उस श्रद्धा को पाने के लिए चेष्टा करेगा वह आप स्पष्ट करके बताइए। वैष्णोदास बाबा जी महाराज बताते हैं, इस श्लोक जो श्लोक हमने गीता का पढ़ा उसकी व्याख्या बता रहे हैं। जतो प्रकार जोगी आछे सर्वापेक्षा भक्ति योगानुष्ठाता जोगी श्रेष्ठ, जिन्हें श्रद्धावान है या माँ के भजन करें तीन ही जोगी गण मध्य श्रेष्ठ। जितने भी प्रकार के जोगी हैं सर्वापेक्षा भक्ति जोगी ही भक्ति योग का जो अनुष्ठान कर रहे हैं वही जोगी श्रेष्ठ हैं। जिन्हें श्रद्धावान है या माँ के भजन करें, जो श्रद्धावान होकर के हमारा भजन करते हैं तिन्हीं जोगी गण मध्य गुण जोगियों में श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ पर वैष्णोदास बाबा जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्रद्धा ही जीवर नित्य स्वभाव, श्रद्धा ही जीव का नित्य स्वभाव है। वर्णाश्रम आदिगत कर्म बुद्धि जीवर नैमित्त स्वभाव। वर्णाश्रम आदि जो अनुगत है गत है पंथा है कर्म बुद्धि जीवर नैमित्त स्वभाव, वह जो है जो कर्म बुद्धि वाले व्यक्ति हैं जीव हैं उनके लिए नैमित्त स्वभाव है। नैमित्त स्वभाव है ते उदित हैया छे, वह नैमित्त स्वभाव के द्वारा उत्पत्ति हुआ है। यही सर्वशास्त्रों का सिद्धांत है। यानी श्रद्धा जो है जीव का नित्य स्वभाव है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्णाश्रम आदि जो कर्म बुद्धि वाले जीव हैं वह उनका नैमित्त स्वभाव हित उदित होता है। यही सारे शास्त्रों का सिद्धांत है।
छंदोग्य बलियाछन छंदोपनिषद में बोलते हैं जदा वै श्रद्धा त्यथ मनुते ना श्रद्धन्त ना श्रद्धन मनुते श्रद्धदीव मनुते श्रद्धात्वीव विजिज्ञासित वेति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति। यहाँ बता रहे हैं इसकी व्याख्या में कि सनत कुमार कहिलन, सनत कुमार बोलते हैं ज्ञातव्य विषय जखन श्रद्धार उदय है, जो जानकारी के अनुसार जिसको हम जिनका ज्ञान उदित हो जाता है, ज्ञातव्य ने ज्ञान ज्ञान उदित हो जाता है, उसके विषय में जिसका श्रद्धा उदित होता है, तखने पुरुष से ही विषय धारण करते सचेष्ट है, तब वही पुरुष उस विषय में धारणा करने की चेष्टा करता है। श्रद्धावान जने धारणा करते पारण, जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं वही धारणा कर सकते हैं, अश्रद्धावान व्यक्ति कखनो पारण ना, जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं वह कभी भी नहीं कर सकते। अतः हे नारद आदव श्रद्धा सही श्रद्धा की तहाई विशेष भावे जाना आवश्यक। बोलते हैं हे नारद आदव श्रद्धा, पहले श्रद्धा वह श्रद्धा भी क्या चीज़ है इसकी विषय में विशेष रूप से जानना जरूरी है। नारद बोलें हे भगवान आमी सही श्रद्धार विषय विशेष रूप से जानते इच्छा करी। नारद बोलते हैं कि मैं उस श्रद्धा के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। बता रहे हैं कोनो सिद्धांतकार श्रद्धा शब्द वेद व गुरु वाक्य विश्वास यही अर्थ करिया छन। कोई कोई सिद्धांतकार सिद्धांती लोग श्रद्धा शब्द को वेद या गुरु वाक्य के विश्वास को ही अर्थ किए हुए हैं। अर्थ ठीक मंदन है, जो अर्थ है ये खराब नहीं है किंतु अस्पष्ट नहीं है, खराब भी नहीं है और वह अस्पष्ट भी नहीं है। मत संप्रदाय श्रद्धा शब्द यही अर्थ लिखित है अच्छे हमारे संप्रदाय मतलब जो सनातन धर्म यानी ब्रह्म संप्रदाय है, जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है, उसके श्रद्धा के विषय में इस रूप से बताया गया है। आमनाय सूत्र वेद के सूत्र बताते हैं श्रद्धा तो अन्यो पाय वर्जंग भक्त उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। बता रहे हैं कि कर्म ज्ञान आदि अन्य उपाय, जो कर्म ज्ञान आदि जो बहुत से उपाय हैं प्रत्यागशील, उसका परित्याग करके भक्त अनुमुखी भक्ति के उन्मुखी होकर के चित्त वृत्ति, जब भक्ति के उन्मुखी होता है चित्त वृत्ति, तो विशेष ही उसी को ही विशेष रूप से श्रद्धा कहते हैं। साधु संगे सुनते सुनते जखन यही रूप चित्ते भाव है जिस कर्म ज्ञान जोग आदित्य जीवेर नित लाभेर भावना नहीं संभावना नहीं। बता रहे कि साधु संघ में सुनते सुनते जब इस प्रकार से चित्त में भाव उदित होता है कि कर्म योग आदि में कर्म ज्ञान आदि जो योग है उसमें जीव का नित्य लाभ होने की संभावना नहीं है, केवल अनन्य भावे हरिचरण आश्रय व्यतीत जीवर गंतव्य
गत्यंतर नहीं बता रहे, केवल एकमात्र अनन्य रूप से हरिचरण आश्रय, भगवान के चरण आश्रय को छोड़ करके जीव का और कोई रास्ता नहीं है। तखने वेद व गुरुवाक्य के विश्वास रूप श्रद्धा उदित है, तभी वेद व गुरुवाक्य में विश्वास रूप श्रद्धा उदित होता है। जानित जानना होगा यानी जानित हबे हाइबे बता रहे, तब जानना होगा। श्रद्धार आकार ए रूपे लखित है, यह श्रद्धार आकार इस प्रकार से दिखाई देता है। साच शरणापत्ति लखना, अर्थात शरणापत्ति लखन ही श्रद्धा बाह्य लखन, जो शरणागति है वही लक्षण ही श्रद्धा का एकमात्र बाहरी लक्षण है। शरणापत्ति यथा, शरणापति पत्ति कैसी होती है, शरणागति कैसे विषय, उसके विषय बता रहे हैं कि अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्य तिथि विश्वासो गोतृप्तवे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य क्षण विधा शरणागति ही। इसकी व्याख्या में भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन के रूप में लिखे हुए हैं, दैन्यात्म निविदान गोतृप्तवे वरान अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास हे पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य सुविकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, क्षणंग शरणागति है बेजार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। इसकी व्याख्या में भक्ति विनोद ठाकुर ने इस प्रकार से लिखे हैं, अनन्य भक्तिर जहा अनुकूल है, अनन्य भक्ति न इति अन्य, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और किसी में भक्ति नहीं है, नहीं हो, वही अनन्य भक्ति है। उस भगवान के भक्ति के लिए जो अनुकूल है, तहाई करिव वही मैं करूँगा, एवं जहाँ प्रतिकूल है तहाँ वर्जन करिव, और जो प्रतिकूल है जिसका मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए उसको मैं वर्जन करूँगा, त्याग दूंगा। ए रूप प्रतिज्ञा आर भगवान ही हमारा रखा करता, इस प्रकार से प्रतिज्ञा करके और भगवान ही हमारे रक्षा करता। भगवान ही हमारे रक्षा करता है, ज्ञान होगा ज्ञान युगादि चेष्टा द्वारा हमारे किस होते पर ना, कर्म ज्ञान योगादि जो पथ है उसके द्वारा चेष्टा करने से हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। ए रूप विश्वास, इस प्रकार से विश्वास हमार चेष्टा हमार कोनो लाभ होते पर ना, हमारे चेष्टा के द्वारा हमारी किसी भी प्रकार से लाभ नहीं हो सकता, बा आमा के आमी पालन करते पारी ना, एवं मैं स्वयं को खुद को मैं स्वयं पालन नहीं कर पाता, अपने आप को पालन नहीं कर पाता। आमी तहार यथासाध्य सेवा करिब, मैं अपने साध्य के अनुसार उनकी सेवा करूँगा, तिनी आमा के पालन करते छन, भगवान ही हमें पालन कर रहे हैं। ए रूप निर्भरता, इस प्रकार से भगवान के ऊपर निर्भर होना, आमी के मैं कौन हूँ, आमी तहार ए तहार इच्छाते ही अमार कार्य, मैं कौन हूँ, मैं आमी तहार मैं उनकी एवं उनके इच्छा से ही, इच्छा के द्वारा ही मेरा कार्य है। भगवान की इच्छा के अनुसार ही
मेरा कार्य है, ए रूप आत्मनिवेदन। इस प्रकार से आत्मनिवेदन, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, इस प्रकार से उनकी जो भी इच्छा है वही हमारा कार्य है। इस प्रकार से अपने आप को आत्मनिवेदन करना। आमी अकिंचन, मैं अकिंचन हूँ। दीन वहीन ए रूप कार्पण्य बुद्धि, मैं अकिंचन हूँ और दीन हूँ, हीन हूँ। इस प्रकार से कार्पण्य बुद्धि जो है ए प्रतिज्ञा, इस प्रकार से प्रतिज्ञा, विश्वास, निर्भरता, आत्मनिवेदन व दैन चित्ते अवस्थित हैया जे वृत्ति की उदय कराए ताहि श्रद्धा, बता रहे हैं। इस प्रकार से प्रतिज्ञा, विश्वास और भगवान के प्रति निर्भरता, भगवान के प्रति आत्मनिवेदन और उनके प्रति दैन्य चित्त जब हृदय में अवस्थित कराता है जो वृत्ति, उस वृत्ति को उदय, जो इस प्रकार की वृत्ति को उदय कराता है वही, उसी का नाम श्रद्धा है। ये श्रद्धा जहाँ उदित हैया छे तिनी भक्तिर अधिकारी। यह श्रद्धा जिनके अंदर उदित हुआ है वही एकमात्र भक्ति के अधिकारी हैं। यही नित्य मुक्त शुद्ध जीव दिगेर स्वभाव प्रथम अवस्था, यही बता रहे हैं। नित्य मुक्त जो जीव हैं, शुद्ध जीव, उनके लिए उनके स्वभाव का प्रथम अवस्था है। अतएव यही जीव नित्य स्वभाव, अतएव यही जीव का नित्य स्वभाव है। अन्य प्रकार सकल स्वभाव नैमित्तिक, और जितने भी प्रकार के स्वभाव हैं सारे के सारे नैमित्तिक हैं। आज यही, बाकी कल। वंशा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधु वियुच पतितानांग पावनी भो वैष्णव भो नमो नमः। आप लोगों से निवेदन, आप लोग तो श्रवण कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें फॉलो करने के लिए पेज को, और शेयर करने के लिए बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने को मिले, समझने को मिले। और जो लोग फेसबुक पर नहीं हैं, फेसबुक यूज नहीं करते, वो लोग तो यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो उनको शेयर करिए यूट्यूब पर। किसी चरण श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा नाम चकड़ा जसरा चाकदा के नाम से फेसबुक चैनल यूट्यूब चैनल है, उसको शेयर करके बोलिए लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए, जिससे नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और वो भी हरि कथा का लाभ उठा सकें। यही आप लोगों से प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।